गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी बज रहे हैं 9। मैंने आधा काम ख़त्म कर लिया है उठने के बाद, तो अभी आधा काम ख़त्म करूँगी। काम ख़त्म करने से पहले अभी स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग। मुझे सारा क्लीन करना है इस रूम का, जहाँ पे हम लोग वीडियो एडिटिंग के लिए बैठते हैं, उस रूम का सारा कुछ क्लीन करना है। बहुत मैसी हो चुका है। आज ना घर में बहुत ज़्यादा शोर है, क्योंकि बाहर ना पत्थरे लग रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो सब खुला करके रखा है, तो यहाँ पे अभी लगेंगे पत्थरे। अभी ना रूम कुछ इस तरीके से दिखता है, और मुझे सारे बुक्स जो दिख रहे हैं ना, वो स्टिक से लगाने हैं, क्योंकि हम लोग यहीं पे पढ़ाई करते हैं इस वजह से। अभी तो यहाँ की क्लीनिंग हो चुकी है। का सेट दिख रहा है ना, ये एक ही सेट यहाँ पे रखा है, और बाकी सब अंदर लेके जाऊंगी। आयन यहीं पे रखा है, क्योंकि मैं और महादेव ना बिना आयन के कपड़े नहीं डाल सकते हैं। अभी ना मैं रूम का क्लीनिंग करने के लिए आई हूँ। कि घर में भी ऐसा होता होगा, एक आप बॉक्स रखते हैं जो जितना भी क्लीन करे ना, एक वीक में फिर से गंदा हो जाता है। वैसे ही मेरे घर में ना, मेरे पास एक ड्रॉवर है जो मैं हर महीने क्लीन करती हूँ, फिर भी वो वैसे का वैसा ही रहता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो ड्रॉवर है ना, ये मेरा हमारा गो टू ड्रॉवर है। मतलब जैसे चाबियाँ, कैंची, सेफ्टी पिंस, वो सारे इसमें रहते हैं, और जितना भी क्लीन करो वो फिर से उसी जगह पे आ जाता है। अभी मैं क्लीन कर रही हूँ फिर से, तो देखते हैं कितने दिन तक रहता है ऐसा क्लीन। नीचे बैठ गई हूँ और क्लीन करती हूँ। ये देखो, ये जो घड़ी है ना, ये मेरी पहली घड़ी है कि ना, जब मैं 9th में थी तब मिली थी, और मेरे पेरेंट्स ने दी थी, तो मैंने इसे संभाल के रखा है। इसने मुझे करीबन 10-11 साल तो साथ दिया होगा। ये ना सोनाटा कंपनी की है, तो बहुत ज़्यादा चली, सिर्फ 4 बार ही बैटरी चेंज की थी, और भी बहुत ज़्यादा ना पानी में भीगने के कारण उसने दम तोड़ दिया। मतलब वो हमेशा के लिए चली गई मेरे हाथ से। अभी जो वॉच पहनती हूँ ना मैं, उससे मुझे थोड़ा सा रैशेस होता है। जब भी मुझे रैशेस होता है ना हाथ पे, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ इस वॉच को। है मेरी पहली घड़ी। मेरे आप इस बात से सहमत करते होंगे कि जो आपकी पहली घड़ी और कोई भी पहला मोबाइल, उससे जो अटैचमेंट होती है ना आपकी, वो आप कभी नहीं भूल सकते। ऐसे अटैचमेंट मुझे इस घड़ी से है। अभी मैं इसे साइड में रखती हूँ और बाकी का क्लीनिंग करती हूँ। ये देखो, लाइसेंस का भी कवर मैंने रखा है, पता नहीं क्यों रखा है। ये देखो, मैंने ऐसे अरेंज किया है इसे। कितने दिन तक रहता है ऐसा, पता है 2 दिन में वो पहले जैसा हो जाएगा करके। चलो अब मैं दूसरे को हाथ लगाती हूँ, दूसरा क्लीन करती हूँ। अभी ना टाइम हो रहा है 3:00, और हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है। माधव गया था वेडिंग के लिए, सो वो अभी वेडिंग से आ रहा है, और ना मैं तैयार हो जा रही हूँ चावड़ी के, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ काम है। हाँ, मुझे पता है आज संडे है, कोई शॉप ओपन नहीं होगा, फिर मुझे जो चाहिए ना वो शॉप ओपन होगा, ये मुझे पक्का पता है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। तो आपको वहाँ से आने के बाद मिलती हूँ। तो अभी तक ना माधव नहीं आया रास्ते पे। उसने मुझे फ़ोन किया था कि 10 मिनट में पहुँच रहा है, तो आएगा। वो पहुँचने से पहले मैं रेडी होकर यहाँ पे पहुँची हूँ, तो अभी उसका वेट करती हूँ ना। काजी की रहता है इससे मैं डर गई, तो आपको 6:30 आने के बाद मिलती हूँ। मैं घर पहुँच गई हूँ, और चलो शुरू करते हैं कल की प्रिपरेशन। बाहर ना लाइटिंग हो रही है, जिस तरीके से लाइटिंग हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो बारिश गिरी होगी, नहीं तो रात को हमारे यहाँ पे गिरेगी वो बारिश। अभी मैंने कपड़े ना बाहर धो के सूखने के लिए डाले, अगर बारिश आई तो मुझे मिडल में उठना पड़ेगा और वो कपड़े निकालने पड़ेंगे। कल मुझे ना तो छोटे मोटे काम निपटा के स्कूल में जाना है, तो आज मैं जल्दी सो जाऊँगी। जिस दिन हम लोग फातरपा गए थे ना,
वेडिंग के लिए। उस दिन ना हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे अराउंड 12:30, अराउंड 12:30 ऐसे पहुँचे थे। फिर उसके बाद वो शादी में ही टाइम निकल गया और हम लोग 2 बजे, करीबन 2 बजे हम लोग वहाँ से निकले, करीबन 2 बजे हम लोग वहाँ शादी से निकले थे। और वहाँ से हमें जाना था चंद्रेश्वर भूतनाथ टेम्पल में आशीर्वाद लेने के लिए। तो इसी वजह से हम लोगों ने उस दिन फातरपा का जो मेन टेम्पल्स है ना, दोनों टेम्पल्स, उसका वीडियो नहीं बनाया था। चंद्रेश्वर भूतनाथ जाने के लिए लेट हो रहा था, यही कारण था उस दिन कि हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया। तो उसके ऊपर ब्लॉग बनाऊंगी और आपके लिए डाल दूंगी। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहेगा और मेरे चैनल को देखते रहेगा और मेरे वीडियोज़ जो है ना दूसरों को शेयर कीजिएगा प्लीज़। और चैनल उनको भी कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना। दिन ना बहुत अच्छा था और जो 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 मैंने सोचा था काम वो निपट गया है, मतलब ख़त्म किया मैंने। कल कल से न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है। मैं ये अभी ये व्लॉग मैं यहीं पेन करती हूँ। जैसे मैंने बताया मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो जल्दी से इसको एडिट करती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। तो इसी के साथ आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।